नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए एक चींटी है जिसके चारों ओर एक चौक की मदद से एक स्क्वायर बनाया गया है, और अगर वो चींटी अगर उस चौक के द्वारा बनी गई बाउंड्री के ऊपर अगर जाती है तो वो तुरंत मर जाएगी। ऐसी कंडीशन में उस चींटी के पास उस चौक से बनी बाउंड्री के बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। लेकिन एज ए ऑब्जर्वर अगर आप ये सब कुछ देख रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि वो चींटी जो है मूर्ख है और वो उस चौक की बाउंड्री के ऊपर से जंप क्यों नहीं कर जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सच्चाई तो ये है कि चींटियां जंप कर ही नहीं सकती है। तो ऐसे में दोस्तों ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस के बारे में ही सोच सकते हैं और उसके बियॉन्ड सोचने की वो क्षमता रखते तो है पर वो सोच ही नहीं सकते। दोस्तों इसी तरीके से मान लीजिए कि आप किसी रूम में बंद है जो कि 3 डायमेंशनल क्यूब या फिर क्यूबॉइड की शेप में है। ऐसे में उस रूम से बाहर निकलने का केवल और केवल एक ही रास्ता है जो कि है उसका दरवाजा, लेकिन फिलहाल वो दरवाजा भी जो है लॉक्ड है। ऐसी कंडीशन में आपकी नजर में ऐसा कोई भी यहां पर दूसरा रास्ता नजर नहीं आएगा जो कि आपको उस रूम से बाहर लेके जा सके। लेकिन जैसा कि आंट की कंडीशन में आंट उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा पा रही थी तो एज ए ऑब्जर्वर हम उसे मूर्ख समझ रहे थे। तो ऐसे ही कोई हायर डायमेंशन वाला ऑब्जर्वर आपको भी मूर्ख समझ रहा होगा कि क्यों ना आप उस रूम को क्रॉस करके यहां पर बाहर निकल जाए, क्योंकि ऐसा कर पाना उस हायर डायमेंशन वाले ऑब्जर्वर के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। लेकिन उस लोअर डायमेंशन वाले के लिए, पिछले एग्जांपल में चींटी के लिए और इस एग्जांपल में आपके लिए, ये बहुत ही लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों ये एग्जांपल दिया था नील डिग्रस टाइसन ने अपने रेडियो शो स्टार टॉप के अंदर, और दोस्तों उनके मुताबिक यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हम कभी भी 5 डायमेंशनल चीजों को नहीं देख सकते हैं। दोस्तों जिस दुनिया में अभी हम रहते हैं वो 3 डायमेंशनल है, यानी इसमें सिर्फ 3 ही डायमेंशन है जो कि है लेंथ, ब्रेड और हाइट, यानी कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ऐसे में दोस्तों इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्पेस जिसमें कोई भी वस्तु या फिर इंसान जो है रह सकता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि एक आम इंसान इन्हीं 3 डायमेंशंस को देख और फील कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि केवल और केवल 3 ही डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन ईयर जो होती है या फिर कह सकते हैं इंसान के जो कान होते हैं वो कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी तक ही साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस लिमिट तक यहां पर जो इंसान जो है साउंड को सुन सकता है, महसूस कर सकता है, उस लिमिट के बाहर, उस रेंज के बाहर कोई भी साउंड होती ही नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको किसी अपने दोस्त से मिलना होता है तो आप उससे पूछते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जैसे कि मैं अगर अपने किसी फ्रेंड से मिलना चाहता हूं, जैसे कि मान लिया मैं अपने दोस्त आकाश से मिलना चाहता हूं, तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन अराइज होगा वो ये होगा कि आकाश पूछेगा कि तुम मुझसे कहाँ पर मिलना चाहते हो, या फिर हम लोकेशन तो डिसाइड करेंगे ना कि आखिरकार मिलना जो है वो कहाँ पर होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर स्पेस की, यानी यहाँ पर जो है 3 डायमेंशन तक यहाँ पर बात जो है आ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हम किसी कॉफी शॉप पर मिलना चाहते हैं, लेकिन अब इसके बाद एक और डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी टाइम, तो यहाँ पर मैं कॉफी शॉप पर अवेलेबल नहीं रहूंगा ना, या फिर मैं किसी भी टाइम पर जाऊं कॉफी शॉप के अंदर और सोचूं कि वहां पर आकाश अवेलेबल होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों एक और डायमेंशन ऐड होगी जो कि है हमारी टाइम, यानी हमें एक स्पेसिफिक टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक टाइम पर वो भी आएगा और मैं भी वहां पर जाऊंगा, तो ऐसे में मीटअप जो है पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर 4th डायमेंशन ऐड हो जाती है जो कि है टाइम, और हमें ये यहां पर पहले से ही फाइनलाइज करना पड़ेगा ताकि यहां पर मीटअप जो है सक्सेसफुल हो पाए। तो ऐसे में दोस्तों जो हमने 4th डायमेंशन यहाँ पर टाइम जो है ऐड किया, दोस्तों ये बाकी 3 डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो 3 डायमेंशंस थी जिसको हम एक वर्ड में स्पेस कह देंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से स्पेस बनता है। तो ऐसे में दोस्तों इन 3 डायमेंशंस के कॉम्बिनेशन को स्पेस जो कह दिया उसको तो हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो बात हुई थी आकाश से मिलने की वो हुई थी कॉफ़ी शॉप के लिए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मैं कॉफी शॉप के बजाय होटल में मिल सकता हूं या फिर किसी और जगह पार्क में मिल सकता हूं, लेकिन जो टाइम है ना वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। एक बार जो बीत जाएगा उसके बाद उसमें बैकवर्ड मूवमेंट नहीं की जा सकती है, लेकिन जो स्पेस है उसमें अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और फ्रंटवर्ड मूवमेंट की जा सकती है, लेकिन जो
टाइम है फोर्थ डायमेंशन, उसमें बैकवर्ड मूवमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा लगभग कह सकते हैं इम्पॉसिबल है। लेकिन फ्यूचर ह्यूमन बींग्स ने कुछ ऐसे तरीके डाउनलोड कर लिए हैं जिसकी मदद से यहाँ पर टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन्होंने टाइम को एक टेंजिबल फिजिकल डायमेंशन के रूप में बना दिया है जिसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल भी है, और वो इसकी मदद से यहाँ पर टाइम के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट भी ले सकते हैं, और इसी के साथ वो अपनी इच्छा के अनुसार एक पर्टिकुलर स्पेस पर डिफरेंट टाइम पर भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि पिछले एग्जाम्पल में जो मेरा दोस्त है वो आकाश जो है वो मुझसे मिलना चाहता है शुक्रवार शाम को 5 बजे, लेकिन दोस्तों गलती से मैं शनिवार 5 बजे उससे मिलने के लिए चला जाता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मुझे तो मिलेगा है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मैं शनिवार शाम को 5 बजे अगर चला भी जाता हूँ तो मैं अपने दोस्त को ढूंढ नहीं पाऊँगा, और इसी के साथ जो मेरा दोस्त है शुक्रवार शाम 5 बजे मुझसे मिलने के लिए आया होगा वो आकर यहाँ पर इंतजार करके अपने घर वापस चला जाएगा। तो ऐसे में अगर मेरे पास टाइम मैनिपुलेट करने की एबिलिटी होती तो मैं यहाँ पर टाइम में बैकवर्ड जाकर अपने दोस्त से आसानी से मिल लेता। तो ये तो बात होगी यहाँ पर फोर्थ डायमेंशन की। अब बात करें फिफ्थ डायमेंशन के बारे में, तो दोस्तों मूवी इंटरस्टेलर में फिफ्थ डायमेंशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों फिफ्थ डायमेंशन सिंपल रूप से अगर कहूँ तो ग्रेविटी है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर टाइम को एक टेंजिबल फिजिकल डायमेंशन बना दिया गया है, और उसी प्रकार से यहाँ पर ग्रेविटी को भी एक फिजिकल डायमेंशन बना दिया गया है। दोस्तों टाइम के पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी की मदद से वो किसी भी स्पेस की सामान्य सीमाओं के आर पार जा सकता है, चाहे वो किसी भी डायमेंशन की हो, वो स्पेस यहाँ पर 1D हो, 2D हो या फिर 3D हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी कारण टाइम को हम फोर्थ डायमेंशन कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी ग्रेविटी होती है ना, वो यहाँ पर टाइम और स्पेस दोनों की ही सामान्य सीमाओं के आर पार जाने की एबिलिटी रखती है, और इसी कारण इसको फिफ्थ डायमेंशन बताया गया है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि आखिर ये फिफ्थ डायमेंशन है क्या। तो यहाँ पर फिफ्थ डायमेंशन को समझने से पहले यहाँ पर पिछले एग्जांपल को एक बार फिर से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि यहाँ पर जब मैं अपने दोस्त को शनिवार 5 बजे मिलने गया था तो ये ऑब्वियसली बात है कि वो मुझे तो मिलेगा है नहीं, क्योंकि वो तो शुक्रवार 5 बजे आया था मुझसे मिलने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइम में बैकवर्ड मूवमेंट लेता हूँ तो मुझे पता होगा कि यहाँ पर किस टाइम पर मुझे जाकर अपने दोस्त से मिलना होगा ताकि वो भी मुझसे मिल सके। और अगर मैं यहाँ पर टाइम भी भूल चुका हूँ कि किस टाइम पर हमारा यहाँ पर फाइनलाइज हुआ था कि हमें मिलना है, तो यहाँ पर मुझे एक धुंधला आइडिया तो होगा ही। और ऐसे में दोस्तों अगर धुंधला आइडिया भी नहीं है तो मैं जो अंदाज़ा लगाऊंगा वो एकदम लगभग करेक्ट ही होगा एज़ कम्पेयर टू रैंडम पर्सन से किसे मैं पूछूँ तो यहाँ पर वो बता पाए, इसके कंपैरिजन में जो मैं खुद से अंदाज़ा लगा पाऊँगा ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम दोनों ने जब ये डिस्कस किया था तो हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया था, और यही कारण है कि मूवी इंटरस्टेलर के अंदर जो कूपर है वो अपनी बेटी मर्फ से मिलने के लिए जब वो यहाँ पर क्वांटम डाटा के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले वो टाइमलाइन ढूंढता है, और वो जो अंदाज़ा लगाता है वो लगभग एक्यूरेट होता है, क्योंकि उस दौरान आपने देखा भी होगा कि मूवी के अंदर वो भी अपने रूम में होती है, और उसी दौरान वो यहाँ पर पीछे से यहाँ बुक की शेल्फ के पीछे से यहाँ पर उनको धक्का मारता है किसी बुक को, तो वो गिर जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन बन जाता है उसकी मदद से अगर मैं उसकी वजह से बेसिकली अगर मैं कोई यहाँ पर अंदाज़ा भी लगाता हूँ तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों इसके पीछे का जो मेन रीज़न है ना वो यही है, बॉन्डिंग ऑफ लव। जी हाँ दोस्तों, बॉन्डिंग ऑफ लव एक ऐसी घड़ी है जो कि यहाँ पर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हमसे कम्युनिकेट करती है, और यही कारण है कि जो कूपर है वो अंदर आता है इंटरस्टेलर के अंदर भी, और वो क्वांटम डाटा के अंदर उस पर्टिकुलर टाइमलाइन को ढूंढता है क्योंकि उसे पता है कि किस टाइमलाइन के दौरान यहाँ पर उसकी जो बेटी मर्फ है वो रूम में ही मिलेगी। और दोस्तों वैसा ही होता है, और इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो दोस्तों यही है, बॉन्डिंग ऑफ लव। और दोस्तों यही जो कनेक्शन है वैसी की बात मैंने अपने एग्जाम्पल में भी की थी कि जिस दौरान मैं यहाँ पर जो अजम्पशंस लूंगा वो भी लगभग एक्यूरेट ही होंगे। इस बात को यहाँ पर एमेलिया ने भी समझाया है कि यहाँ पर जो ह्यूमन है उसके पास एक काफ़ी पावरफुल एबिलिटी होती है लव, जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर स्पेस और टाइम के थ्रू भी ट्रांसेंड कर सकता है। और दोस्तों मूवी इंटरस्टेलर के अंदर भी यहाँ पर जो कूपर है अपनी बेटी मर्फ से यहाँ पर बॉन्डिंग ऑफ लव की ही वजह से यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाया था, क्योंकि दोस्तों जब वो यहाँ पर शेल्फ के पीछे से अपनी बेटी मर्फ को देखता है तो उसको उसकी बेटी को भी ये महसूस होता है कि कोई ना कोई यहाँ पर इस रूम के अंदर है जिसको कि यहाँ पर मूवी के दौरान यहाँ पर मूवी के अंदर उसकी बेटी जो भूत का नाम दे देती है। शुरुआत में आपने देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप मूवी जाके देख सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों जब वो शेल्फ के अंदर से बुक यहाँ पर धकेलता है, जब बुक
गिरती है और यहाँ पर जब वो पीछे से आवाज़ लगाता है तब भी यहाँ पर उसकी बेटी यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो है महसूस कर पाती हैं, अपनेपन का जो एहसास है वो महसूस कर पाती हैं। लेकिन दोस्तों मर्फ जो है वो थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर थी और दोस्तों इसी कारण वो यहाँ पर हायर डायमेंशन वाले अपने पिता को या फिर कूपर को नहीं देख पाती है। और दोस्तों ये एग्जाम्पल जो मैंने शुरुआत में दिया था कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जो चीटी थी वो उस बाउंड्री से क्यों बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन आप जो ऑब्जर्वर थे वो एक हायर डायमेंशन पे हैं और इसी कारण आप तो उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको एक मूर्ख समझ सकते हैं, लेकिन वो चीटी की कंडीशन पे उस बाउंड्री से बाहर निकल पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और ऐसे एग्जाम्पल मैंने एक और दिया था जो रूम वाला, कि रूम से तो बाहर निकल पाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा आप क्योंकि थर्ड डायमेंशन के अंदर है, लेकिन जो हायर डायमेंशन वाला होगा उसके लिए बहुत ही आसान होगा। और इसी कारण कूपर जो है अपनी बेटी को सामने देख सकता है बिल्कुल आसानी से और सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल एक ही टाइम पर लगता है चल रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड डायमेंशन वाली उसकी बेटी मर्फ है वो हायर डायमेंशन वाले अपने पिता जो हायर डायमेंशन में जो उसके पिता बैठे हैं उनको नहीं देख पाती, वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नील टेंशन ने भी साफ तौर से कह देते हैं कि जो कॉमन मैन है वो यहाँ पर हायर डायमेंशन को यहाँ पर कह सकते हैं फिफ्थ डायमेंशन की चीज़ों को नहीं देख सकता है और उसके पिता जो है गलती से पहुँच जाते हैं इंटरस्टेलर मूवी के अंदर और इसी कारण वो लोअर डायमेंशन वाली यहाँ पर अपनी बेटी को देख सकते हैं, लेकिन उसकी बेटी जो है हायर डायमेंशन पर अपने पिता को फिफ्थ डायमेंशन पर नहीं देख पाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने लगभग बिल्कुल आसान भाषा में क्लैरिफाई कर दिया है कि फिफ्थ डायमेंशन आखिरकार है क्या। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको डाउट रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा और ऐसी दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर से वापस आता हूं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।